स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सीनरी फॉर यू ऑल. ओके, आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, आफ्टर दैट स्केच पेन से बॉर्डर करोगे, बट मैं डायरेक्टली स्केच पेन से कर रही हूँ, सो माइनटली लुक एट इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले 1, 2, 3, 4. हमें कभी भी स्केल यूज़ नहीं करना है. ड्राइंग के लिए स्केल की ज़रूरत नहीं है. जस्ट अपने ब्रीदिंग को थोड़े सेकंड के लिए होल्ड करो. योर लाइंस विल बी स्ट्रेट ऑलवेज. एक हाउस बनाने के बाद सेम बट थोड़ा हट ही बनाएंगे हम लोग, बट थोड़ा अलग. सी लाइक दिस, लाइक दिस. Now, 1, 2. Okay. ऐसे करो और फिर zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Join. फिर से C बनाओ, roughly C. After that, join with zigzag lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पतले पतले बनाओगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं. 1, 2, only the zigzag line that will join. ठीक उसी तरीके से इधर भी C, zigzag line, C, zigzag line, again, 9. अगेन सेम. अब यहाँ से स्ट्रेट इस तरह, यहाँ एकदम लास्ट से आप एक स्ट्रेट लाइन लेके आओगे डायरेक्टली टू द एंड ऑफ द पेपर योर. और ठीक इसके नीचे लाइक दिस, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची जगह है, इट इज़ लिटिल बिट हायर लैंड, तो वो दिखाने के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जिससे ये समझ में आता है कि ये जगह थोड़ी सी ऊंची है. अब जो पीछे के लाइन ड्रॉ कर दो जहाँ लैंड और स्काई सेपरेट हो जाता है, थोड़ी सी बुशेस बना देते हैं. फाइन. नाउ हियर आई विल मेक अ बोट. हमने यहाँ पे वाटर सोच लिया है. दिस इज अ लिटिल बिट स्मॉल पॉन्ड बोट है. देखो बोट का शेप हमने कैसे बनाए. आफ्टर दैट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, जॉइन करो, बाहर ले जाओ, जॉइन, फिर बाहर जॉइन, फिर बाहर जॉइन इट, एंड देन यहाँ पे बोट को हमने बांध के रखा है. इट इज वाटर. ओके, छोटा सा बुश. हियर माई सीनरी इज रेडी.